अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएच न्यूज एंड टेक्निकल। जी फ्रेंड्स, आज के मैं टॉपिक में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे पास यहां पे इंसर्ट मेन्यू किस लिए यूज होती है और इसमें कौन कौन से टूल्स हैं जो कि ज्यादातर हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। जी फ्रेंड्स, यहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेजेस है, पेजेस में कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है? अगर आप यहाँ पे कोई भी बुक टाइप कर रहे हैं, कोई भी आपने यहाँ पे असाइनमेंट टाइप किया, सबसे पहला पेज आप उसका बनाना चाहते हैं खूबसूरत सा, उसके लिए आपने कोई भी कवर पेज यूज कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ डिजाइन है यहाँ पे कवर पेज के, जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज होता है खाली पेज। अगर आपने यहाँ पे पहले पेज पे कोई मैटर टाइप किया हो और आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट पेज आपके पास खाली आ जाए, तो उसके लिए आप ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक, आप उसको पेज को जहां से ब्रेक करना चाहते हैं आप उसको यहां पर यूज कर सकते हैं। कर्सर को जहां पे आपने रखा हुआ है, कंट्रोल प्लस अगर हम एंटर टाइप करें तो भी हमारा वो पेज ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है टेबल्स। टेबल्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको जितनी रोज एंड कॉलम्स चाहिए आपने उतने रोज एंड कॉलम्स के ऊपर जाके क्लिक कर देना, हमारे पास एक टेबल बनकर आ जाएगा। इलस्ट्रेशंस में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर इंसर्ट करना अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो आपने पिक्चर में जाना है और फ्रॉम फाइल में जहां आपके पास पिक्चर हो वहां जाके आपने उसको इंसर्ट कर लेना है, पिक्चर आ जाएगी। क्लिप आर्ट, आप इसमें ज्यादातर हम इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही समझेंगे, तो ये क्लिप आर्ट हम नहीं समझते इतना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स हम यहाँ पर कोई भी अगर हमें शेप्स की जरूरत है तो यहाँ पर हमने जाना है और रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एलिप्टिकल है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्माइलिंग फेस, हार्ट, मून, स्टार, बहुत सारे हमारे पास बैनर स्टाइल्स भी हैं। जो आपको चाहिए वो आप यूज कर लीजिएगा। देन हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट को हम ज्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह में यूज करते हैं। बेसिकली इन्हें आप डायग्राम्स भी कह सकते हैं। तो एक किस्म से ये हमारी एक डायग्राम्स भी होती हैं, इनको हम स्मार्ट आर्ट भी कह सकते हैं। आपको जो डायग्राम की जरूरत हो आपने स्मार्ट आर्ट में आके वो यूज कर ले रही है। हमारे पास चार्ट है, तो चार्ट ज्यादातर हम इसमें चार्ट्स बनाया करते हैं, पाई, कॉलम, लाइन, बार, एरिया चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स हैं। जो आपको बनाना हो वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाएंगे, मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका कर बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है कि किसी भी फाइल का आप लिंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हाइपरलिंक में जाना है और हाइपरलिंक को आप एज ए किसी भी लिंक बनाने के लिए आप इसे टूल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप है, एक यहाँ पर हमारे पास न्यू फोल्डर के नाम से एक फोल्डर है, हम उसका एक लिंक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस के भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मैनुअल क्लिक भी कर सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं किस चीज़ का आप लिंक बनाना है आपने, तो डेस्कटॉप पे आप जाएं, न्यू फोल्डर टू है, जिस चीज़ का आपने बनाना है, वो आपके इमेज हो, आपका कोई भी ऑडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, या कोई भी आपका कोई भी यहाँ आप कह सकते हैं कि फोल्डर ही क्यों ना हो, आपने यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका एक लिंक बन चुका है, जबकि आपने इसे ओपन करना है तो आपने मैनुअल ओपन नहीं करना, कंट्रोल प्रेस करके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये फोल्डर फाइल जहां भी पड़ी होगी ये हमारे पास ये ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड एंड फुटर। हेड एंड फुटर को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई हर एक पेज के ऊपर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी हेडिंग देनी है तो उसके लिए आप हेडर में जाएं। यहाँ आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो वो हर पेज के ऊपर आपके पास हेडिंग में वर्ड लिखा हुआ जाएगा। जबकि फुटर है तो फुटर में भी आप ऐसे ही है कि अगर आप हर पेज के नीचे ऐसे बॉटमली कोई भी मैटर लिखना चाहते हैं, चाहे वो आपका एड्रेस है या फिर आप वो कोई भी पेज नंबर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फुटर में जाके लिख सकते हैं। पेज नंबर अलग से भी है, आप ये भी आप मैनुअल भी यूज कर सकते हैं, आप हेड एंड फुटर में भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स होता है जिस बॉक्स में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उसे टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। आप इसमें आएंगे तो बहुत सारे आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे। यहाँ आपके पास स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिसको आप यूज करके अपनी सीवी को या अपने मैटर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर लीजिएगा एज ए टेक्स्ट बॉक्स को। हमारे पास वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने वर्ड्स को मैनुअल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको आप इसके ऊपर डोल क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इनमें से हम चाहते हैं कि हमारा नेम इस स्टाइल में लिखा हुआ आ जाए, तो आपने यहाँ पे उसे चूज करना है, नेम लिख देना है। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने लिख लिया जी एच न्यूज एंड टेक्निकल लिखा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारे पास उसी स्टाइल में नेम लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारा था यहाँ पे वर्ड आर्ट, तो इंसर्ट, एंड देन उसमें हमारे पास लास्ट में दिया हुआ है सैम्पल्स एंड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप मैथमेटिकली जितना भी आपने वर्क करना है, चाहे वो आपकी क्वेश्चंस है या वो आप कोई भी मैथ का पेपर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको इक्वेशंस में जाके यूज करना पड़ेगा।